माइक तो है नहीं है क्या? माइक 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 मुझे खुशी है कि आज वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। 1,35,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। प्रथम चरण में आज 40,00,000 मोबाइल फोन बांटने की शुरुआत हो चुकी है। महिला के सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा कदम यह है। वैसे हमने कई कदम उठाए हैं, महिला नीति लेके आए हम लोग 2021 के अंदर लेके आए थे, उसके अनुरूप भी आगे काम बढ़ रहे हैं। अयम शक्ति उड़ान योजना, संकोच में महिलाएं बोलती नहीं हैं, महिलाओं को जो माहवारी होती है वो तो पूरे वर्ल्ड के अंदर होती है, और यहाँ घूंघट में महिला रहती है देश के अंदर, हमारे यहाँ प्रदेश के अंदर दीवार बने हुए हैं, संकोच में बोलती नहीं। हम संकोच खत्म करवाना चाहते हैं, और सरकार ने इसके लिए 650 करोड़ रुपये रखे हैं। नैपकिन जो है, जैसे पैसे वाले लोग, अमीर लोग होते हैं, वो जैसे काम लेते हैं उनकी घर की महिला है, उसी ढंग से हमारी बहनें बेटियाँ हैं गांव के अंदर भी, शहरों में जो गरीब है उन घरों की बहन बेटियाँ भी वैसे नैपकिन काम ले। 12 नैपकिन हम दे रहे हैं प्रति माह उनको दे रहे हैं। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि हमारे कोई खाली स्मार्टफोन की बात नहीं है। हमने एक के बाद एक जो है महिलाओं के किराए में छूट दी है, महिलाओं को बसों के अंदर, वो भी बड़ा प्रोग्राम है। पेंशन जो है 1,000 रुपये मंजूर कर दी है उनके लिए। कोरोना में जो तकलीफ आई है महिलाओं, विधवा हो गई है, उनकी पेंशन शुरू कर दी है। 1,00,000 रुपये एक मुर्त दिए गए हैं, अनाथ बच्चों को भी दिए गए हैं। 2,500 रुपये प्रतिमाह दे रहे हैं बच्चों को जो अनाथ हो गए हैं, और जो 18 साल के होंगे तो 5,00,000 रुपये मिलेंगे उनको। ये कई स्कीमें हैं हमारी है, जो आपको मालूम है कि हमने राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी एक्ट पास किया है, उसका सबसे बड़ा लाभ मिलेगा महिलाओं को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अलग चल रही है, SC ST की अलग योजना है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग योजना है, और जो सामूहिक विवाह करते हैं तो सामूहिक विवाह के अंदर अगर मान लो अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग जातियों के लोग हैं, उसके लिए 10,00,000 रुपये अलग योजना बनी है, जहाँ 25 जोड़ा आएंगे। तो कहने का मतलब है कि हमने महिलाओं को कैसे सशक्त करें देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, उस दिशा में हमने बहुत तेज गति से आगे बढ़े हैं। और जब प्रदेश के अंदर महिलाएं जो है वो अगर मजबूत होगी तो वो प्रदेश का भविष्य उज्जवल होगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया पाकिस्तान की इकोनॉमिस्ट का, जब राजीव गांधी जी ने आरक्षण दिया था महिलाओं को 73-74 संविधान के संशोधन के बाद में, उससे तो आर्टिकल मैंने पढ़ा था, आप सोच सकते हो महिलाओं को सशक्त करने का कितना बड़ा लाभ प्रदेश को होता है। अभी मैंने एक और जो पुलिस डिपार्टमेंट की मीटिंग करके DG पुलिस, चीफ सेक्रेटरी, अन्य अधिकारी थे, सब हमने कहा है जितने मनचले लोग हैं ये आपके, जो कॉलेज के बाहर, स्कूल के बाहर, गांव में, शहरों में बैठ जाते हैं दीवारों पर, भक्ति करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, ऐसी घटनाओं करने वालों की अलग लिस्ट बन रही है। अब हिस्ट्री शीटर की तरह लिस्ट बनेगी, हिस्ट्री शीटर की तरह लिस्ट बनेगी, और अलग रिकॉर्ड रखा जाएगा थानों के अंदर। नौकरी के वक्त में चरित्र प्रमाण पत्र जो है उसके आधार पर जारी होगा, तो आप सोच सकते हो कितना क्रांतिकारी कदम हमने उठाया है। और एग्जामिन कर रहे हैं, अगर हो सकता मेरा बस चला तो हिस्ट्री शीटर की तरह जो थानों में फोटो लगती है उनकी, इन मन चले लोगों की फोटो लगा दी जाएगी थाने के अंदर, ये मन चले लोग हैं प्रदेश के अंदर, इनका इलाज करो। इस प्रकार से हम लोग हर कदम उठा रहे हैं, सोच समझ के उठा रहे हैं। धन्यवाद। एक और आत्मरक्षा के लिए 1090 हेल्पलाइन है,
उसका प्रचार मीडिया को करना चाहिए 1090। कोई बड़ा संकट में आइए तो 1090 में फोन करे, 181 के अलावा भी ये तमाम मीडिया भी साथ देगा, तब जाके हम अपने उद्देश्य में कामयाब होंगे। खाली मेरे कहने से नहीं होगा, आप सबका सहयोग मुझे चाहिए। ₹2,500 लगेंगे सरकार के। पहले हमने क्या किया, 100 यूनिट तक फ्री सबकी कर दी, 200 यूनिट तक का किया, फ्यूल चार्ज माफ किया, और 201 यूनिट होते ही फ्यूल चार्ज लगते थे। अब आज जो फैसला किया हमने, पूरे प्रदेश के अंदर पूरे उपभोक्ताओं को और गांव में किसानों को तमाम लोगों का फ्यूल चार्ज की जिम्मेदारी सरकार ने ली है 2,500 करोड़ रुपये से। बहुत बड़ी राहत उनको मिलेगी अब पूरे प्रदेश के अंदर, ये मैं कहेंगे। कल मैंने कहा है 21% के बजाय, जब शुरुआत में अधिकांश लोग जानकारी नहीं है, जब सरकार हमारी बनी थी जहाँ तक मुझे याद है, मैं कंफर्म कर रहा हूँ पुराने रिकॉर्ड से, कल मैंने कह दिया है रिकॉर्ड खम्पोले पुराने वाले, मुझे याद है कि 98 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो पहली बार राजस्थान के अंदर OBC का आरक्षण मैंने लागू किया था 21%। उस समय मुझे पूछे कि 70% क्यों नहीं किया आपने, क्योंकि देश भर के अंदर 70% है तो मेरी प्रायोरिटी ज़्यादा करीब रहती है। तो हमने क्या किया, 50% की सीमा दी उस वक्त में, सीमा के अंतर्गत जो है 50 एकड़ हो नहीं सकते थे, तो मैंने 6 का 12 किया ट्राइबल का, 8 का 16 किया शेड्यूल कास्ट का, और उसके बाद बढ़ता ही तय है 22 बढ़ता था, मैंने 21 किया, एक मार्जिन रखी थी मैंने 21 किया, हमने OBC का किया है। अगर मैं 27 दिन का OBC का करता तो जो OBC ज़्यादा तकलीफ में हैं SC ST वाले, उनको भी 6 ही रहता 8 ही रहता था, तो मैंने प्रायोरिटी उनको दी थी उस वक्त में। ये तमाम फैसले मैंने खुद ने किए उस वक्त में, वही मेरी थीम आज भी है। इसलिए हमने कहा जो OBC के अंदर जो पिछड़ी जाति हैं, अति पिछड़ी जाति हैं, उनका अलग सर्वे हो, और उनके लिए मैंने कहा कि 27 में करना ही था, जब लोकसभा के अंदर कानून पास हो गया 10% EBC का, पहले 50 के राइडर था, सुप्रीम कोर्ट के राइडर था, फिर भी भारत सरकार ने 10% जो मेरी मांग थी वो जमाने के अंदर 98 के जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने पहली बार हिंदुस्तान में आवाज उठाई थी कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी 14% आरक्षण मिले, और वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री उस वक्त में, तब मैंने उनको लिख के भेजा था उस जमाने के अंदर। आज 25 साल लगे उस बात को, 25 पुरानी मांग, लगभग 25 साल हो इस बात को, वो मांग बाद में कई बार कमीशन बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बनाए थे, वाजपेयी जी ने बनाए थे, और बाद में वो आगे बढ़ नहीं पाई थी। अब जाके 10% मिला है, जो हमारी मांग ओरिजिनल थी वो मेरी मांग थी। तो जब 10% मिल गया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है 10% पे, ठीक है, इसका मतलब हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने पहले 50% राइडर लगा रखा था वो खत्म कर दिया उन्होंने खुद ने लोकसभा के कानून बनने के बाद में, अब वो सीमा तो रही नहीं 50% वाली। इधर राजस्थान में MPC वाला मामला चला, उनको हमने असेंबली में पास कर दिया, वो MPC का मिल रहा है, 50% सीमा जो खत्म हो गई है, तब मैंने कहा क्यों नहीं हम लोग जो है, वैसे तो 44-45% है OBC वाले राजस्थान में, नहीं देश भर के अंदर 45 है, कहीं 48% है, कहीं 50% है, कहीं 52% है, पर अगर हम बात सोचें 48 ही माने मान लो, तब भी 27% मिल रहा है अधिकांश जगहों पर राज्यों में उनको आरक्षण, तमिलनाडु को छोड़ के और दक्षिण के राज्यों को छोड़ के, वहाँ तो 70% मिलता होगा। अभी हमने कहा है कि जब अगर मान लो राइडर खत्म हो गया है, सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग गई है, अब इनको न्याय मिलना चाहिए, तब मैंने कहा कि हम 21-27% लाएंगे OBC को, 6% जो होगा वो जो OBC कम्युनिटी में ज़्यादा पिछड़े होंगे उनको हम अलग से आरक्षण देंगे,
एससी एसटी का भी 2-2% एक्स्ट्रा हो गई आबादी उनकी एससी एसटी से भी, अभी 6-12 किया था, अभी लगभग 14% हो गए उनके, 8-16 किया था, लगभग 18% का आसपास हो गया।